दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू लीश ट्रेन योर कैट। अगर आपकी कैट ऐसे दरवाजे पर बैठती है, बाहर जाने की जिद करती है, तो ही उन्हें ले जाना। इस वीडियो को शेयर कर दो एंड ऐसा लीश आपको लगेगा जिसका प्रेशर नेक पे ना आए बल्कि बैक पे आए एंड डिवाइडेड हो दोनों तरफ। उसके बाद जो है आपको आपके पेट को कंफर्टेबल करवाना है उसके साथ। वो सोता है उसके पास, उसे रख दो थोड़े टाइम के लिए लीश को या हार्नेस को, एंड शुरुआत में वो रेजिस्ट करेंगे बट आपको उन्हें पहनाना पड़ेगा बिकॉज धीरे धीरे उनको आदत लगेगी। एंड कैट ऐसा सोते हैं शुरुआत में लीश पहनाने के बाद, बट धीरे धीरे उनको आदत हो जाती है एंड आप उन्हें अनएक्सप्लोर्ड जगह लेके जाओ। बिकॉज इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि कैट्स का दिमाग बहुत क्यूरियस होता है। अगर आप उन्हें लीश पहना के उधर ही रखोगे तो वो सो जाता है, बट उन्हें अनएक्सप्लोर्ड जगह लेके जाओगे तो उनका दिमाग लीश से हटके बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में चला जाएगा। जैसे सिम्बा आप देख सकते हो अभी यहाँ पे सोया है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं सोएगा, वो तुरंत उड़ गया और जगह एक्सप्लोर करने चला गया। उसने नज़रअंदाज कर दिया लीश को बिकॉज उसका ध्यान बाकी चीज़ों पर है। तो थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे कैट सीख जाते हैं, एक दिन में तो कुछ होगा नहीं एंड धीरे धीरे करके वो सीख जाएंगे। आप उन्हें ट्रीट्स भी दे सकते हो टू मोटिवेट देम एंड 3-4 दिन बाद आप देख रहे हो सिम्बा कितना कॉन्फिडेंटली वॉक कर रहा है। बस उन्हें आप जब भी ले जाओ मेक श्योर करना एनवायरनमेंट उनके लिए सेफ है, वहाँ पे कोई कैट्स या डॉग्स नहीं है, और लीश को ऐसे हमेशा पकड़े रहना बिकॉज कैट अनएक्सपेक्टेडली यहाँ वहाँ भाग सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।